नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप गजेटेड नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हो, यानी कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या फिर किसी भी दस्तावेज में अगर आपको नाम चेंज करवाना है तो आपको सबसे पहले एक गजेटेड नोटिफिकेशन बनवाना पड़ेगा। गजेटेड नोटिफिकेशन का सीधा सा मतलब है आप जो पहले ऑफलाइन फ़ीस जमा करवाते थे वही फ़ीस आपको ऑनलाइन जमा करवानी है। अब आप उसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए दो तरीके हैं अप्लाई करने का, एक तो है ई मित्र के थ्रू और एक है बिना ई मित्र के थ्रू। तो मैंने ई मित्र के थ्रू किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, यानी कि ई मित्र से गजेटेड नोटिफिकेशन किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इस पर तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आया था कि हम बिना ई मित्र के किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करें, गजेटेड नोटिफिकेशन कैसे बनाएं, तो इसके लिए मैं आपको बिना ई मित्र का तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई सी भी आपकी एक SSO ID ओपन करनी है। SSO ID ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है राज ई का, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, देखिए राज ई अंचल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको इस पर ओके करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे ओके करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड पेज आ जाता है। देखिए यहाँ पे आप नए आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगर आपने पहले से आवेदन किया हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरे को नया आवेदन करना है, तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया करते ही यहाँ पे मेरे को कुछ इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो यहाँ से आप देख लीजिए। नाम चेंज करने के लिए जो आपको प्रारूप है जो स्टाम्प पे लिखवा के लेके आना है वो ये रहा आपके सामने, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। गजेटेड नोटिफिकेशन के लिए स्टाम्प किस प्रकार से लिखवाना है उसका फॉर्मेट ये है आपके सामने। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर ले हैं नागरिक नाम परिवर्तन, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके लिए जो दस्तावेज लगने वाले हैं सब प्रमाणित पहचान पत्र, यानी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट एक पहचान पत्र लगा सकते हो, नोटरीकृत शपथ पत्र जो ये शपथ पत्र है वो, और सब प्रमाणित आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड है माता पिता का अपलोड कर देना, एक जन आधार कार्ड करना है। उसके बाद यहाँ आपको आई एग्री करना है, उसके बाद यहाँ पे आवेदन का प्रकार सेलेक्ट करना है, सिटीजन नेम चेंज नागरिक का नाम परिवर्तन है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड नंबर डालना है। अब इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस कटने वाली है वो फीस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि कितना रुपए आपका है जो ऑनलाइन कटेगा। अभी आप जब अप्लाई करोगे तभी ये फ़ीस कट जाएगी, ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन बनने के बाद में ये फ़ीस कटेगी। उसके बाद आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है, यहाँ से मेंबर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लगा हुआ था उस नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP 6 अंकों का होगा वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है आपको। चलिए मेरे पास में जो OTP आया मैंने OTP लगाया, वेरीफाई OTP पे मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखिए मेंबर डिटेल सक्सेसफुल फेच, आपको ओके कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट का नाम आ गया, उसके बाद आवेदक का नाम आ गया हिंदी में, और पिता का नाम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और यहाँ पे देखिए ID का प्रकार, ID के प्रकार के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे पास में आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड ही यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल सही डालनी है, ईमेल आईडी में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो आपको मेल आईडी पे ही मिलेगा। उसके बाद सभी दस्तावेज की एक PDF बनानी है, जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपलोड करना है, स्टाम्प यहाँ पे अपलोड करना है, और आधार कार्ड की कॉपी भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और वैलिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करके नीचे वैलिड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है उस नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल करके आपको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर दोगे नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड पे लेटर, तो अगर आपको अभी पेमेंट करनी है तो आप सेव एंड पे कर दीजिए, अगर आपको बाद में पेमेंट करनी है तो सेव एंड पे लेटर पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड पे लेटर पे क्लिक करने के बाद में आप वापस इसी ऑप्शन पे आकर के और यहाँ से ओनली सिर्फ पेमेंट काटनी होगी आपको, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप गजेटेड नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और आवश्यक दो दस्तावेज अपलोड करने मैंने आपको बता दिया है। अब आपको स्टाम्प किस प्रकार से लिखवाना है, अगर इसमें आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो किस प्रकार से करनी है, अगर आपको बच्चे का भरना है स्टाम्प तो किस प्रकार से भरना है, बच्चे का माता पिता का नाम चेंज करना है तो उसमें स्टाम्प किस प्रकार से लिखवाना है, तो इसके लिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज रहेगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता चल गया होगा कि आप गजेटेड नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।